गुण संधि, इसका सूत्र है आद गुण। देखिए गुण संधि कैसे पहचानेंगे, शब्दों के बीच में ए ओ और अल होता है, जहां पर शब्द जुड़े हुए हैं वहां पर ए ओ और अल। लेकिन आप ऐसे बताने पर ही समझ पाएंगे, मैं इसको विस्तार के साथ समझाऊंगा। देखिए गुण संधि और वृद्धि संधि इसके बाद आएगा, लेकिन मैं इन दोनों को भाई समझ करके एक साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण ऐसे हैं जो दोनों में समान हैं, इसलिए एक साथ इसको आसानी से समझ सकेंगे। देखिए गुण संधि हो चाहे वृद्धि संधि हो, शब्द के पहले होता है अ आ। गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों के पहले शब्द में अ या आ होता है, और बाद में अगर अ आ से इक मिल गया, इक ई उ री लिन, इक यानी ई उ री लिन, इसी को बोलते इक। अ आ से इक मिल गया तो यही गुण संधि होगा, और अ आ से अगर एच मिल गया ए ओ ए औ, अ आ से इक मिल गया तो गुण संधि बन जाएगा, अ आ से एच मिल जाएगा तो वृद्धि संधि बन जाएगा। लेकिन मैं आपको भाई बस बताऊं, सबसे पहले गुण संधि का पहला नियम। दोस्तों आपके सामने गुण संधि का पहला नियम मैं बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनेंगे। देखिए शब्द के शुरू में अ या आ होगा, इसके साथ अगर ई मिल गया, चाहे छोटी ई या चाहे बड़ी ई, तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, गुण संधि का पहला नियम। अ या आ के बाद ई या ई आए तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। आपको उदाहरण दूं, नर धन इंद्र नरेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, गज धन इंद्र गजेंद्र, राम धन ईश्वर रामेश्वर, सुर धन ईश सुरधन ईश सुरेश, दीन धन ईश दिनेश। बहुत से उदाहरण है, कितना उदाहरण आपके सामने लिखूं। देखिए सुरों में है अ या आ वाला उदाहरण दे दू, रमा धन ईश रमेश। देखिए सुरों में है अ या आ और इधर है ई, तो दोनों मिलकर के ए हुआ है, नर इंद्र नरेंद्र, सुर इंद्र सुरेंद्र, गज इंद्र गजेंद्र, राम ईश्वर रामेश्वर, सुर ईश सुरेश, दिन ईश दिनेश, रमा ईश रमेश, पुष्प इंद्र पुष्पेंद्र। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके मैं आपको सामने में बताया गुण संधि, जब अ या आ के बाद ई आए तो दोनों का जगह पर ए होता है। इसका दूसरा नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, गुण संधि का दूसरा नियम, अ या आ के बाद उ आए, छोटा उ चाहे बड़ा, तो इन दोनों के जगह पर ओ होता है, अ या आ के बाद उ आए तो इन दोनों के जगह पर ओ। उदाहरण पर धन उपकार परोपकार, महाधन उत्सव महोत्सव, जन्मधन उत्सव जन्मोत्सव, प्रश्नधन उत्तर प्रश्नोत्तर,
सर्वधन उपरि सर्वोपरि, बहुत से उदाहरण है, कितना उदाहरण दिए। देखिए पर धन उपकार परोपकार, महाधन उत्सव महोत्सव, जन्मधन उत्सव जन्मोत्सव, प्रश्न धन उत्तर प्रश्नोत्तर, सर्वधन उपरि सर्वोपरि। देखिए अ और उ दोनों मिलकर बना है ओ, आ और उ दोनों मिलकर बना है ओ, यानी इसी प्रकार से ये पूर्व में अ या आ से उ मिला है तो दोनों के जगह पर ओ हुआ है। अब देखिए शुरू में आपको ओ कर देना है और इधर वाले ऊ को हटा देना है, क्योंकि दोनों हटा करके एक बने हैं। यहां पर हर हाल में आपको ओ कर देना है और इधर वाले ऊ को हटा देना है। अब मैं गुण संधि का तीसरा नियम बताऊं, हाँ देखिए गुण संधि का तीसरा नियम बताया था, अ या आ के बाद री आए तो इन दोनों के स्थान पर और हो जाता है। क्या आपको यह ध्यान देना है कि यहां स्वर के साथ एक व्यंजन भी आ रहा है, जैसे उदाहरण महाधन ऋषि महर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, वसंत धन ऋतु वसंत ऋतु। यहां पर ध्यान दीजिए एक और उदाहरण लीजिए, देव धन ऋषि बहुत मुख्य उदाहरण है, देव ऋषि। देखिए शुरू में है अ या आ, इधर है रे, अ आ और रे दोनों के जगह पर अर हो गया है। महाधन ऋषि महर्षि, सप्त धन ऋषि सप्तर्षि, वसंत धन ऋतु वसंत ऋतु, देव धन ऋषि देवर्षि। अब देखिए आपको यहां थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको मैं समझा दे रहा हूं। देखिए वसंत और ऋतु तो में अ है और यहां री है, अ और री दोनों हटेंगे, यहां पर आएगा और व स न, तो में ओ मिलके तो पूरा हो जाएगा और यही रो यह तू के ऊपर लग जाएगा, हो जाएगा वसंत ऋतु। अब देखिए गुण संधि का चौथा नियम, ओ या आ के बाद रे आए, रे संस्कृत में एक अलग स्वर है, ओ या आ के बाद रे आए तो दोनों के जगह पर अल हो जाता है। अ या आ के बाद रे आए दोनों के जगह पर अल, जैसे तव धन रिकार होता है तवल कार, मम धन रिकार ये होता है ममल कार, और लि मिलके अल हो गया है। ये था आपका गुण संधि। अब मैं स्वर संधि का तीसरा भेद आपको बताऊं, वृद्धि संधि। सूत्र है वृद्धि रेचि। देखिए आप अभी गुण संधि पढ़ाते से बताया कि गुण और वृद्धि को एक साथ समझिए, क्योंकि इन दोनों के शुरू में होता है अ या आ और बाद में वृद्धि में होता है एच यानी ए ए ओ औ। इसका पहला नियम अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के जगह पर ए हो जाता है, जैसे सदा धन एव बराबर सदैव, तथा धन एव बराबर तथैव, मम धन एव बराबर ममैव, मम धन एकदा ममैकदा, देव धन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। देखिए अ या आ, इधर है ए या ए, दोनों के जगह पर आय हुआ है,
जैसे आपको बताए शुरू में आय कर देना है और इधर वाले ए या आय को हटा देना है। सब जगह वृद्धि यानी दोनों का जहां जोड़ है जहां संधि है वहां पर ए हुआ है, तो अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के जगह पर आए। इसका दूसरा नियम, वृद्धि संधि का दूसरा नियम, जैसे कि आपको पता है कि शुरू में अ या आ ही होगा, तो अ या आ के बाद अगर ओ या ओ आए तो इन दोनों के जगह पर ओ हो जाता है। उदाहरण, महाधन औषधि होता है महौषधि, वन धन औषधि होता है वन औषधि, जल धन ओघ जल ओघ, उष्ण धन ओदन उष्णोदन। हाँ यहां देखिए शुरू में है अ या आ और इधर है ओ या औ, तो दोनों के जगह पर औ, महा औषधि महौषधि, वन औषधि वन औषधि, जल ओघ जल ओघ, उष्ण ओदन उष्णोदन। ये था वृद्धि संधि। अब मैं आपको स्वर संधि का चौथा संधि बताऊं, भेद स्वर संधि का चौथा भेद आपके सामने रख रहा हूं, यह है यौन संधि।